भाई ने सवाल किया, किसी का इंतकाल हो जाते, कुछ लोग पहले से खबरें तय कर देते कि कहाँ दफनाना है, अब्बा यहाँ रहेंगे, बीवी मतलब उनकी मम्मी यहाँ रहेंगे, फलाई, कहाँ तक दुरुस्त है? देखिए, होना तो ये चाहिए जिसका जैसे इंतकाल हो उसकी तदफीन कर दी जाए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में ये हुआ कि लोगों का इंतकाल हुए और आपको जहाँ जगह मिली तदफीन कर दी गई। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जहाँ तक मामला था वो खास था, इसीलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, वफात हुई, आपको तदफीन किया गया, अबू बकर सिद्दीक ने बाद में ये कहा कि मुझे आपके बाजू कर दिया जाए। उसके बाद उमर इब्न खत्ताब ने जब शहीद कर दिए गए, इंतकाल से पहले पूछने लगा क्या मुझे इजाजत मिलेंगी कि आप ताकि क़यामत के रोज नबी के साथ रहें। ठीक है, तो ये एक अलग चीज़ है, लेकिन क्या ऐसा कर सकते हैं? तो आपको लगता है अगर जमीन ऐसी है कि छोड़ा जा सकता है तो ठीक, वरना मैं तो कहूंगा जो सबसे बेहतरीन तरीका है, एक दो जैसा सीक्वेंस चल रहा है चलने दे, और कब्रस्तान को प्राइवेट ना करे। मतलब वो होता है कि भाई इतने उसमें हमारी रहेंगी, कई जगह मैं गाँव में जाता तो बोलते ये सैयद लोगों का एरिया, यहाँ कोई नहीं आएगा, वो खान साहब का एरिया है, वहां उनको डाला जाएगा, वो फला जात वालों, मतलब जात बिरादरी के हिसाब से ये सब दुरुस्त नहीं। मैं कहूंगा एक दो तीन जो सीक्वेंस चल रहा है वो चले, वो ज्यादा